मैं आपसे लेयर्स की बात की, अब मैं कुछ इसके बिग चैलेंजेस की बात करता हूँ कि वाई सो मैनी पीपल विल बी अंडर द इम्प्रेशन के ये दज्जाल नहीं है और ये बिल्कुल ठीक है और हम सारे बिल्कुल ठीक हैं। देखिए कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करता हूँ, एट्रीब्यूट्स ऑफ दज्जाल्स एज। इग्नोरेंस एंड मिस इन्फॉर्मेशन विल बी प्रेवलेंट, एक्सट्रीम कन्फ्यूजन विल बी प्रेवलेंट, अनहेल्दी फूड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फूड हमारे जो हॉर्मोन्स हैं केमिकल्स हैं फूड से बनते हैं, बहुत रिलेशन है फूड और केमिकल्स का। और न्यूरो केमिस्ट्री जिन्होंने बेसिक पढ़ी है थोड़ी सी, दे नो कि हमारे थिंकिंग पैटर्न्स इसके पीछे केमिकल्स होते हैं, हमारी हरकत और सकनात के पीछे केमिकल्स होते हैं। तो जब हम फूड ही हेल्दी नहीं खाएंगे, अनहेल्दी फूड खाएंगे, एंड यू नेवर नो कि हमें क्या खिलाया जा रहा है, बीवेयर। इस पर भी रिसर्च करें कभी, अनहेल्दी फूड की वजह से हमारी पर्सनैलिटीज अफेक्ट होंगी बहुत ज़्यादा। सो अनहेल्दी फूड एंड फेक पीपल, अल्लाह अकबर, जितने फेक उस एज में लोग होंगे कभी नहीं होंगे और लोग उनसे डिसीव हो रहे होंगे। पीपल आर फॉलोइंग द लाइक्स ऑफ दीज सेलिब्रिटीज एंड दीज सिंगर्स एंड दीज फुटबॉलर्स हु डोंट इवन नो दैम, हु आर प्लेइंग फॉर मनी, हु आर यू नो डूइंग थिंग्स फॉर नॉट फॉर एनी गुड सेक बट फॉर मनी ओनली बट फॉर प्रॉफिट ओनली। पीपल हैव मेड दैम हीरोज, पीपल हैव मेड दैम आइडियल्स। ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है पिछले 200 साल में कि थोड़ा सा आप देख लें आप खून के आंसू रोएंगे कि क्या हो क्या रहा है हमारे बच्चों के साथ, वो किने आइडियल्स बना रहे हैं। बिलियनियर्स उनके आइडियल्स हैं और जो मोरालिटी की बात करते हैं दूर दूर तक उनके आइडियल्स हैं, वो उनके लिए लूजर है। तो फेक पीपल, थिंग्स विल बी फेक, ये एट्रीब्यूट है दज्जाल की एज का बहुत बड़ा। पीपल विल बी आफ्टर फेक थिंग्स। इंस्टाग्राम क्या है? फेक है। ये लाइक्स, ये सब्सक्राइबर्स क्या है? दीज आर जस्ट डस्ट। अभी रिसेंटली हमारा जो है वो जाहिर है एक हादसा हुआ, एक आधा पेज हैक हुआ, तो वी सेड सो व्हाट, ये पेज पे अगर इतने ज़्यादा लाइक्स हैं तो ये दोबारा आ जाएंगे। वल बाकियातु सालिहातु, अल्लाह ताला सूरह काफ़ में कहते हैं कि बाकी रहने वाले जो आमाल हैं वो साले आमाल हैं, एवरीथिंग एल्स इज़ डस्ट। बट पीपल कंसिडर दीज थिंग्स टू बी एवरीथिंग, दैट्स वाई दे गेट डिप्रेस्ड वेन दे लूज समथिंग। जब उनके सब्सक्राइबर्स लूज हों या लाइक्स लूज हों या उनके क्लोथ्स या कोई दुनियावी चीज़ लूज हो जाए, पैसा लूज हो जाए, तो पीपल आर लाइक दिस के सब कुछ ख़त्म हो गया। याद रखें जब तक अल्लाह ज़िंदगी में कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, जो मर्जी हो जाए आपके साथ। लेकिन जाहिर है कि लोग इस फेक वर्ल्ड की वजह से, इस फेक ग्लैमर की वजह से धोखे में पड़े हैं। मेरा स्टाइल थोड़ा सा आज एग्रेसिव इसलिए क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब दज्जाल के बारे में बात करते थे तो बहुत फोर्सफुली, बहुत ही उस अंदाज से बात करते थे, यानी स्ट्रांगली बात करते थे, बहुत ज़्यादा एम्फेटिक अंदाज में बात करते थे, बिकॉज इसका फितना, इसका चैलेंज ही बहुत बड़ा है। सो ये मैंने आपसे कुछ एट्रीब्यूट शेयर किए।